पाठ पहला न्याइयां दा ग्रंथ उसका 11 बाप 29 तो 39 आए तक। तद जिफताहा उत्ते परमेश्वर दा आत्मा उत्तर आया अते ओह गिलियाद अते मनश्शे तो दी लंघदा होया मिसपाहा तो हो के अमोन तक गया। जिफताहा ने प्रभु सामने प्रतिज्ञा की, जेकर तू मैनू जित देवेगा तो वापसी ते मेरे घर दे बूहे विचों पहले मनुख दी होम बलि तेरे सामने चढ़ावांगा। तद जिफताहा ने दरिया पार करके अमोनी लोकां उत्ते चढ़ाई की, प्रभु ने उसनू उन्हां उत्ते जित दित्ती। जिफताहा ने अरोयर तो लै के मिनिथ तक वही शहरां अते एबल करमीम तक भयंकर कतलेआम कीता, सो अमोनी उस दे हथों हार गए। तद जिफताहा मिसफाहा विच वापस मुड़ के आया ता उस दे घरों सब तो पहला उस दी इकलौती एक मात्र ती डफ वजौंदी अते नचदी अपने पिता नूं मिलन आई। जिफताहा ने उस नूं देख के आहा परी अते कहा, हे मेरी तीए तू मेरा दिल क्यों तोड़िया, मैं बहुत दुखी हाँ। मैं प्रभु सामने प्रतिज्ञा की है जो मैं वापस नहीं ले सकता हाँ। उस दी ती ने उत्तर दिता, पिता जी तुसी प्रभु नू अपनी दिती प्रतिज्ञा अनुसार मेरे नाल करो। प्रभु ने तेनू तेरी वैरी अमोनिया दे विरुद्ध जित दिती है। पर उसने अपने पिता नू अगे कहा, पर तुसी मेरे लई इना करो कि मैनू 2 महीनिया तक इकल्या रहन दियो। मैं अपनिया सहेलियां नाल पहाड़ा विच मरन तो पहला अपने कुआरेपन दा सोग करा। उसने अपनी धी नू उस दियां सहेलियां नाल कल दिता। तद ओह अपनी सहेलियां नाल पहाड़ा विच गई अते सोग कीता, क्योंकि ओह कुवारी बिना आदमियां नाल संग कीतियां मर रही सी। 2 महीनियां दे पिछों ओह वापस अपने प्यो कोल आई। उस दे पिता ने अपने प्रभु अगे प्रतिज्ञा अनुसार कीता अते ओह कुवारी ही मर गई। यह प्रभु दी पाक बाणी है, खुदा दा शुक्र होवे। संत मती दी अंजील उस दी 22 बाप 1-14 ऐत। यीशु उन्हां नू फिर तमसीलां विच आख्या, ये कहिंदे होए स्वर्ग राज दी तुलना एक राजे नाल कीती जा सकती है जिसने अपने पुत्र दे व्याह दी दावत दित्ती अते अपने नौकरां नू सदे गए लोकां नू व्याह भोज ते बुलाउण लई कल्या, पर ओ आउणा नहीं चाहुंदे सन। उसने फिर होर नौकरां नू ये कहिंदे होए कल्या, सदे होए लोकां नू दसो, देखो मैं अपने पोज तैयार कर लिया है, मेरे बौलद अते मोटे वैड़ के कट्टे गए हन अते सब कुछ तैयार है, व्याह पोज दे लई आओ। पर उन्हां ने इस दी कोई परवाह ना कीती अते चले गए, कोई अपने खेत नू अते कोई अपने कारोबार नू। जदों कि दूजिया ने राजे दे नौकरां नू फड़िया अते उन्हां दी बेइज्जती कीती अते उन्हां नू मार दिता, राजे नू गुस्सा चढ़िया अते उसने अपनी सेना कल के कातलां दा सत्यानाश कर दिता अते उन्हां दे शहर नू अग ला के फूक दिता। फिर उसने अपने नौकरां नू कहा, व्याह दी दावत तां तैयार है,
पर सदे होए इस दे जोग नहीं सन। इसलिए तुसी रावां सड़कां ते जाओ अते जिन्ना भी लोग तुहानूं मिल जान उन्हां सारियां नूं व्याह भोज दे लई बुला लियो। ओ नौकर राहां सड़कां ते गए अते उन्हां भी उन्हां नूं मिल के चंगे अते की माड़े सारियां नूं केर लियाए। इस तरह व्याह वाला घर परौणियां नाल भर गया। पर जदों राजा परौणियां नूं वेखन अंदर आया तां उसने उत्थे एक आदमी नूं देखिया जिसने व्याह वाली पोशाक पाई नहीं होई सी अते उसनूं कहा, मित्र, व्याह वाली पोशाक पाए बिना तू इत्थे किस तरह वड़िया। पर उसने चुप्पी साध रखी। तद राजे ने सेवका नूं कहा, उसदे हाथ पैर बन के उसनूं बाहर दे अंधेरे विच सुट दियो। उत्थे लोग रोणगे अते अपने दंद पीसणगे क्योंकि सदे होए तां बहुत हन पर चुने होए बहुत थोड़े हन। ए प्रभु दी पाक पानी है, खुदा दा शुक्र होवे।